नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रॉमिसिंग इंडियन बॉक्सर्स में इस सीरीज़ में आपसे मैं तारुफ इंट्रोडक्शन हमारे जो यंग एंड अपकमिंग बॉक्सर्स हैं उनसे कराते रहता हूं। और आज जो दो बॉक्सर्स मेरे साथ खड़े हुए हैं वो हैं कुशल चाहर, जो कि 75 केजीज मिडिल वेट कैटेगरी के हैं। इन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड जीता है और नॉर्थ वेस्ट जो चैम्पियनशिप हुई थी जोधपुर राजस्थान में, वहाँ पे भी इनका गोल्ड आया था। नेशनल में भी खेल चुके हैं ये। आगे जाके भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरह से कुशल अपना जो पंच है वो बरकरार रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। उनका जो छोटा भाई है, हिज यंगर ब्रदर लक्ष्य चाहर, ये 81 केजीज लाइट हैवी वेट कैटेगरी के हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्रॉमिस है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारा जो देश है हमें ऐसे डेडिकेशन और ऐसे डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है इन खिलाड़ियों में। बॉक्सिंग में आप देख ही रहे हैं, चाहे वे मेन हो या वेमेन, बहुत नाम कमा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो मॉन्टेनिग्रो में जो यूथ चैम्पियनशिप हुई थी उसमें भी इंडिया के स्पेशली गर्ल्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। अभी स्ट्रैंजा कप चल रहा है बुल्गारिया में, वहाँ पे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है हमारे पुगलिस की। तो आइए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स टॉक टू देम। कुशल और लक्ष्य, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई चैनल, आर चैनल इनफैक्ट, टैलेंटेड इंडियन बॉक्सर्स ऑफ टुडे। तो कुशल, ये बताइए अपनी बॉक्सिंग की जर्नी के बारे में हमारे व्यूवर्स को कि शुरुआत कैसे हुई और अब तक की आपका सफ़र के बारे में थोड़ा आइडिया दीजिए। मैं 2016 है, लगभग अभी चल ही रहा है, इसको ना टाइम के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट किया अभी। लक्ष्य, थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि ये बताइए कि आपकी जो जर्नी है और कुशल की जर्नी वो एक साथ ही शुरू हुई या थोड़ा गैप था, अंतराल था? ना भाई, इसके एक साल बाद से शुरू करी मैंने बॉक्सिंग, इसको देख के मैंने शुरू करा भाई बॉक्सिंग धीरे धीरे। भाई जयपुर से शुरू करी, फिर भिवानी गया भाई, वहाँ पर 2-3 साल करी मैंने बॉक्सिंग और कंपटीशन भी भाई मैं खेला उसके दौरान भाई, वहाँ पे मेरे मेडल्स वगैरह आए, खेलो इंडिया में गोल्ड आया भाई, नेशनल वगैरह में सिल्वर आया मेरे, फिर मैं सर्विसेज में चला गया भाई, तो वहाँ बढ़िया मेहनत करी, डेडी खेल रहा भाई मैं वहाँ पे ट्रेनिंग को लेकर। तो मेरे उसके बाद मैं इंटरनेशनल खेला और भाई खेलो इंडिया मेरे वापस गोल्ड आया, नेशनल मेरा कई बार गोल्ड है भाई, तो ये रहा भाई। और अभी फिलहाल मैं सीनियर गेम हूँ भाई, जो अभी पटियाला में लगा रखा है। कुशल, मुझे ये बताइए कि जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से और आने वाले सालों में भी ओलंपिक्स में भी इनफैक्ट हमारी इंडियन बॉक्सिंग जो है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा सुपर से भी ऊपर होगा। तो इसमें आप जो एक जो हमारे एस्पायरिंग बॉक्सर्स हैं, जो मतलब बॉक्सिंग को एक अपना एक पैशन मानते हैं और उसमें अच्छा करना चाहते हैं, आप राइट हैंडेड ऑर्थोडॉक्स बॉक्सर हैं, तो आप क्या टिप देना चाहेंगे कि एक बॉक्सर को, एक जो एक यंगस्टर, एक जो बॉक्सिंग को अपना एक कैरियर, अपना एक लक्ष्य बनाना चाहेगा, उसके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई अच्छी बॉक्सिंग करे, लगन से बॉक्सिंग करे और माता पिता का नाम माने, सब अच्छा ही करे भाई, आप बड़े भाई का साथ रहेगा तो अच्छा ही होगा। मुझे ये बताइए लक्ष्य कि जब हम अब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं तो यूरोप के, यूएस के, क्यूबा के, ये जो बॉक्सर हैं या उज़्बेक मतलब जो अपना सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ के बॉक्सर्स के साथ हमारा मुकाबला होता है, तो एक अपना फिज़िकली एक फिट रहना, जो अपना हेल्थ सप्लीमेंट्स, अपना जो एक बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना, जिम जाना, फिजिकली बहुत फिट रहना ताकि खूब स्टेमिना हो, इसका कितना बड़ा रोल होता है एक इंटरनेशनल लेवल पे जीत हासिल करने के लिए?
सबसे पहले भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया टीम के पास सब कुछ है, फीस जो है, कोचेज है भाई, डाइट के लिए सब कुछ है, न्यूट्रिशन है, तो पूरा ध्यान रखते हैं भाई। बाकी बॉक्सर को फोकस रहना पड़ता है कंपटीशन खेलने के लिए, खुद पे डाइट का, वाटर पानी कितना पीना है, न्यूट्रिशन कितना लेना है भाई, सबका मेंटेन रहना पड़ता है भाई, प्रोटीन वगैरह का जो भी है तो देखना पड़ता है भाई। मुझे याद है बहुत जो बड़े बड़े नामी सिंगर्स थे, सिंगर्स हैं हमारे, प्लेबैक सिंगर्स, कुछ ना कुछ उनको त्याग करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि मैंने किसी फेमस प्लेबैक सिंगर के इंटरव्यू में सुना था कि क्योंकि वो बहुत बढ़िया गाती थी तो उन्होंने बचपन से कभी आइसक्रीम नहीं खाई, उनको मन बहुत करता था आइसक्रीम खाने का, क्योंकि जो क्वालिटी जो वॉइस की है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे, और इस वजह से उन्होंने कभी आइसक्रीम नहीं खाए। तो बॉक्सर के भी लाइफ में उसको काफ़ी डिसिप्लिन में रहना पड़ता होगा और काफ़ी चीज़ों को त्याग करना पड़ता होगा। आप इतने यंग हो, आपको बहुत कुछ मन करता होगा खाने को, पीने को, घूमने को, तो वो डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है एक बॉक्सर के लिए अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए। जी लक्ष्य के लिए सर फोकस होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, और वहाँ पे ट्रेनिंग कंटिन्यू ट्रेनिंग करना सर बहुत ज़रूरी है यार, डाइट वगैरह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है सर। बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं जो बॉक्सर होते हैं वो, और घर वगैरह बहुत कम जाते हैं सर, अपने कैंप वगैरह में रहते हैं बॉक्सर ट्रेनिंग के लिए, ये बात है। कुशल आप जानते हैं अभी हम लोग एक पैंडेमिक से गुजरे हैं, कोरोना काल, जिसमें जो है काफ़ी टाइम तक लॉकडाउन भी रहा। अब लॉकडाउन के बाद अब स्थिति धीरे धीरे करके सामान्य फिर से एक्सपेक्टेड है, तो कोरोना के टाइम में भी जब लॉकडाउन के टाइम पे आई एम श्योर जो बॉक्सर जो अपने घर पे था, या क्योंकि बॉक्सिंग अकेडमीज बंद थी और ज़्यादा हम बाहर जा नहीं पा रहे थे, तो घर में भी आपने काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह किया होगा, तो उस समय आपने क्या लक्ष्य रखा कि आप अपने आप को फिट कैसे रखते थे, क्या करते थे? भाई जैसे फिट रखने के लिए अखाड़े वगैरह में जाते थे, रेसलिंग में थोड़ी रेसलिंग वगैरह, रनिंग वगैरह, वेट वगैरह करना, वेट ट्रेनिंग करना, वैसे ही करते थे, मतलब घर का ही खाना खाते थे। और स्पारिंग तो हो नहीं पाती होगी, तो उसकी वजह से शैडो बॉक्सिंग है ना, और उसके बाद चिन अप्स हो गए, हर तरह के एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग वगैरह कर ली, पंचिंग पैड हो गए, किट बैक हो गए, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी मैटर करते हैं। और आने वाले दिनों में आप इंडियन बॉक्सिंग का क्या स्कोप देखते हो? अगर कोई भाई जो है या कोई सिस्टर हमारी जो है बॉक्सिंग को अपना एक कैरियर, एक प्रोफेशन, एक लक्ष्य बनाना चाहती है, तो बॉक्सिंग के बारे में आपका क्या कहना है कि इसकी क्या आगे स्कोप क्या रहेगी? बहुत अच्छा स्कोप रहेगा भाई इससे, मतलब जो और गेम है उससे आगे बढ़कर नौकरी वगैरह भी बहुत ज़्यादा मिलने लगे, हर चीज़ आगे बढ़ने लग गया सब कुछ, मतलब बॉक्सिंग बहुत आगे हो गई है, पहले वाली बॉक्सिंग नहीं है। और लक्ष्य हमको ये बताइए कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि आइडियली अगर एक बॉक्सर अगर बनना चाहता है तो जितनी कम उम्र से शुरू करे तो बेटर है। आप अगर जो एज कैटेगरी देखोगे तो उसमें हमारा सब जूनियर भी होता है, जूनियर भी होता है, फिर यूथ भी होता है, तब जा उसके बाद सीनियर आता है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई और कोई स्पोर्ट होगा जिस पे इतनी एज कैटेगरीज होंगी, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि क्या एक एडवांटेज मिलता है एक बॉक्सर को कि अगर वो सब जूनियर से ही बॉक्सिंग कर रहा हो, या अगर कोई यूथ के टाइम में भी अगर कोई कहे कि भाई मुझे बॉक्सिंग करनी है तब भी वो उतना ही अच्छा कर सकता है, इसके बारे में आपका क्या व्यू है, क्या विचार है? मैं तो ये कहता हूँ शुरू से बॉक्सिंग छोटी उम्र से स्टार्ट करेंगे तो स्किल वगैरह, उसकी टेक्निक वगैरह बहुत बढ़िया हो जाएगी, अगर बाद से स्टार्ट करोगे तो उसको धीरे धीरे टाइम लग जाएगा सीखने के लिए, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये चक्कर। और कुशल आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं ये कहना था 15 साल ओके ओके। तो आई थिंक जैसे अगर हम आर्मी देखें तो BSC बॉय स्पोर्ट्स कंपनी है, जहाँ पे यंग एज में काफ़ी बच्चे चले जाते हैं स्पोर्ट्स के, और एक बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर हमारे जो यंगस्टर्स हैं अगर BSC बॉय स्पोर्ट्स कंपनी में जाते हैं तो आगे जा कर के उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। बहुत बढ़िया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उन बच्चों का जो कि यंग एज से स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे आगे आने वाले सीरीज़ में भी आप लोग फिर आएंगे और आपकी जो भी लेटेस्ट अचीवमेंट्स हैं वो हमारे व्यूवर्स के सामने हाईलाइट करने का हमें फिर से मौका देंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कंग्रेचुलेशन, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू कुशल, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू लक्ष्य, नमस्कार, जय भारत और जय हिंद।